जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 ज्वाइनिंग लेटर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मैं देने वाला हूं। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो एसएससी जीडी का ये ज्वाइनिंग लेटर है, जो कि यहाँ पर डेट जो दी है 8 सितंबर 2020। मैं श्याम से जो है नोटिस कर रहा था, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पर कि सर जो आपके फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना शुरू हो गए हैं क्या। ठीक है, तो मैंने देखा इसकी अपडेट, तो यहाँ पर ये ज्वाइनिंग लेटर जो है मेरे पास आया कि ये ज्वाइनिंग लेटर जो है 8 सितंबर 2020 को जो है आया है, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है आया है। अब यहाँ पर क्या है पूरी जानकारी, इस ज्वाइनिंग लेटर की क्या पूरी कहानी है, पूरा समझाने वाला हूँ, समझना वीडियो को। तो देखिए ये है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आया हुआ है यहाँ पर काशीगंज बिहार। ठीक है, काशीगंज जो बिहार सेंटर है वहाँ से जो है ये ज्वाइनिंग लेटर जो है भेजा गया है बाय पोस्ट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है ये भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए इनका रोल नंबर भी जो है दिया हुआ है, इनका नाम वगैरह दिया हुआ है और इनका पूरा एड्रेस जो है यहाँ पर उनका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या बोला है, सब्जेक्ट में बोला है कॉल लेटर फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिटी जीडी 2018। ठीक है, एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि 2018 वाली भर्ती का जो है ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बोला है, देखिए उनको जो है कॉल लेटर में जो है इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप लोगों को आपको जो है तुरंत यहाँ पर ये जो सेंटर दिया हुआ है इस सेंटर पर जो है आप लोगों को जो है हाजिरी देनी है, जो कि कारण यहाँ पर बोला है कि क्या क्या कारण यहाँ पर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको 10 बार जो है यहाँ पर आपके हैंडराइट के द्वारा 10 सीट को जो है आप लोगों से भरवा जाएगा, आपके अक्षर जो है मैच किए जाएंगे। दूसरा यहाँ पर बोला है कि आपके थंब इम्प्रेशन जो है 10 अलग अलग जगहों पे आपके थंब इम्प्रेशन जो है ये लिए जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने बोला है। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है 10 डिफरेंट सीट पर आप लोगों के सिग्नेचर भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो ये उन्होंने बोला है, ये जो लेटर आया है उनको। अब यहाँ पर नीचे आए, नीचे के पॉइंटों का यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखना क्या बोला है इन्होंने कि इनको जो है थोड़ा डाउट है कि यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर इस भर्ती के जो है वास्तविक कैंडिडेट नहीं हो। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कुछ लोग जो है किसी और को एग्ज़ाम में बैठा कर जो है पास करवा लेते हैं, किसी और को भेजकर मेडिकल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनके सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और ये जो थंब इम्प्रेशन जो है इनका, इन सभी में जो है इनको डाउट है, इस वजह से जो ये कॉल लेटर इनके जो घर को ये भेजा गया, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा गया। आप लोग आप परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आएगा जब तक आप लोगों का जो रिमेडिकल है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप भी सोच सकते हो कि जब तक रिमेडिकल कंप्लीट नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग लेटर, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी तब तक भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर लेनी है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि एक का आया, दो का आया तो हमारा क्यों नहीं आया। इस टाइप से जो है काफ़ी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा इस बात को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा पूरी जानकारी क्या है। ये जो है उन्हीं लोगों को आ रहा है जो थोड़े फ्रॉड टाइप के जो है वहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सही है, सटीक है, उनको ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को देनी, क्योंकि मैं मैसेज से परेशान हो गया था कि क्या हो रहा है, कैसे कॉल लेटर जो है आने शुरू हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन जो है हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। जय हिंद।